नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल V2 Explore में। आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको हरिद्वार के मौसम के बारे में बताऊंगा और हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या यानी कांवड़ियों की संख्या के बारे में भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी आपको पूरी मिलेगी। मैं इस समय दोस्तों शिव घाट पे हूँ, जो हर की पौड़ी क्षेत्र का एक बहुत ही खूबसूरत घाट है। यहाँ पर यह शिव की प्रतिमा है, आप दर्शन करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह शिव घाट दोस्तों इसलिए श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। अगर आप 10-11 बजे के करीब हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास हैं तो आप इस घाट पर आ जाएं। यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं और हवादार और बिल्कुल छायादार हैं, जिससे कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से स्नान कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य सामने आप देख रहे हैं, वो विष्णु घाट है और जस्ट बगल में अगर आप सामने देखेंगे तो वो कुशावर्त घाट है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर मैं CCR टावर है उसके जस्ट बैक साइड में है। यहाँ पर बहुत सारी केन्स हैं, देख सकते हैं वेंडर्स हैं। यहाँ पर कावड़ को सजाने का सामान मिल रहा है, केन्स मिल रही हैं जिसमें आप जल ले जाकर अपने अपने घरों को ले जा सकते हैं। आज भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज संडे है और आज डाक कावड़ बहुत सारी आई हुई हैं, झूला कावड़, कलश कावड़ भी आई हुई हैं। मैं दिखाऊँगा अभी आपको बारी बारी से। बहुत सारे कावड़िए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अपनी कावड़ को सजा रहे हैं। देख सकते हैं आप बहुत सारी सुंदर सुंदर कावड़ यहाँ पे, झूला कावड़ और आगे अभी दिखाता हूँ, कलश कावड़ भी है, डाक कावड़ भी है। आज बहुत सारे कावड़िए आए हुए हैं हरिद्वार में, तो आज हम सुंदर सुंदर दृश्य देखेंगे। हर की पौड़ी पे चलेंगे और वहाँ के भी सुंदर सुंदर दृश्य देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं आगे आपको ले चलता हूँ। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इस घाट पर बहुत सारी कलश कावड़ है, एक ग्रुप है, बहुत काफ़ी बड़ा ग्रुप है और देख सकते हैं आप बहुत सारे यहाँ पर ये कलश कावड़ है जिनको ये अब सजा रहे हैं। जल भर चुके हैं अपने अपने इस कलश में, अभी उसको पैक कर रहे हैं एमसील वगैरह से। इतना खूबसूरत दृश्य, माँ गंगा जी के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग घर बैठे माँ गंगा जी के दर्शन कर पाएँ। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। सामने देख रहे हैं आप बहुत ही मीठी मीठी हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है। सुबह के लगभग 7:30-8 के करीब बज रहा है और बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना पूरी पूरी है, फिर भी हम चलते हैं। ये शिव पुल है दोस्तों, शिव पुल से अगर आप सीधा जाते हैं तो आप हर की पौड़ी क्षेत्र के जो प्रमुख घाट हैं वहां तक जा सकते हैं। शिव पुल ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सामने आप देख रहे हैं ये धनुष ब्रिज है और माँ गंगा जी, और सामने देखिए आप ये एक कावड़, मतलब डाक कावड़ जा रही है जो दौड़ के जाते हैं, देख सकते हैं आप इस ब्रिज पे, ये डाक कावड़ है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। अभी हम धनुष ब्रिज के बिल्कुल पास में हैं और मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, मौसम बिल्कुल, बादल बिल्कुल काले हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा तेज बारिश आने की संभावना है। लगभग हरिद्वार में सुबह सुबह रोज़ बारिश हो रही है 8-9 बजे तक, उसके बाद बहुत कड़ाके की धूप निकल रही है और फिर शाम को ही राहत मिल रही है 5-6 बजे के बाद। दिन भर पूरा धूप रहता है इस समय और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सुबह और शाम बहुत सुहावना मौसम हो जाता है। आइए आगे चलते हैं और ये धनुष ब्रिज से होते हुए हम हर की पौड़ी की तरफ चलेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये धनुष ब्रिज है जहाँ से अभी डाक कावड़ जा रही थी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ से आप राइट साइड में देखेंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर। सामने आप देखें ऊपर बादल छाए हुए हैं और नीचे माँ गंगा जी के दर्शन करें, बहुत ही कलरफुल लगता है, यहाँ से बहुत ही सुंदर लगता है। मैं पुल से लेफ्ट साइड में भी आपको दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड जिधर से मैं आया हूँ, सामने आप देख रहे हो CCR टावर, उसी साइड से आए थे। और आगे चलेंगे और हर की पौड़ी क्षेत्र के भी सुंदर सुंदर दृश्य देखेंगे। श्रद्धालु लगातार माँ गंगा जी में स्नान करके कांवड़िए और श्रद्धालु आते हुए और गंगा जल लेकर अपने अपने घरों को जाते हुए। राइट साइड में अब बीच में पुल के हैं हम और राइट साइड में आप देखें क्या नज़ारा है, माँ गंगा जी का चौड़ा स्वरूप दिखाई देता है यहाँ से और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है यहाँ से। आप अगर इस पुल से आ रहे हैं तो बीच में रुक के दोनों साइड जरूर देखें, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं और सुबह और शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर दृश्य। आइए आगे चलते हैं दोस्तों।
और मैं आपको ये लेफ्ट साइड का भी दिखाता हूँ, सुंदर दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है यहाँ से। तो आप इस ब्रिज पे आ रहे हैं ना, तो ब्रिज से दोनों साइड ज़रूर देखें और सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ लें, वीडियोज़ लें अपने मेमोरी के लिए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर। थोड़ी दूर पे रह गया है आपका हर की पौड़ी क्षेत्र का पवित्र घाट, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी इस समय हम संजय पुल पे हैं। संजय पुल से आप देख रहे हैं सामने जो है वो हर की पौड़ी क्षेत्र का पवित्र घाट पे जाने का मार्ग है। अगर लेफ्ट साइड में अगर आप संजय पुल से आते हैं तो इधर ये नाई घाट है। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको, नाई घाट पर श्रद्धालु लगातार माँ गंगा जी में स्नान करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य सुबह सुबह का। ये नाई घाट है, नाई घाट पे मुंडन संस्कार के लिए श्रद्धालु और तीर्थयात्री आते हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये संजय पुल है। संजय पुल पर भी देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आगे चल के अभी हम राइट साइड में अगर हम चलते हैं संजय पुल से, तो आप हर की पौड़ी क्षेत्र का जो मुख्य स्थान है वो देख सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको बैक होके, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। सामने ये अस्थि प्रवाह घाट है, जहाँ पर अस्थि प्रवाहित करने के लिए तीर्थयात्री और श्रद्धालु आते हैं अपने परिजनों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। सामने ब्रह्मकुंड घाट, जो ये नीला मंदिर दिखाई दे रहा है, और ऐसा कुछ सुंदर दृश्य दिखाई देता है हर की पौड़ी क्षेत्र का। सामने आप देखें श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये घंटाघर घाट और मालवीय घाट है। इस संजय पुल से नीचे उतर के अभी हम चलेंगे और मालवीय घाट, ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट तीनों के दर्शन करेंगे। आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। सामने आप देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड घाट है, माँ गंगा जी के दर्शन करें आप। सामने आप जो देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड घाट है, जहाँ पर माँ गंगा जी की आरती होती है सुबह और शाम। देखिए तीर्थयात्री कितने ज़्यादा आए हुए हैं, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा। आइए आगे चलते हैं। बहाव जल कम छोड़ा गया है लेकिन बहाव बहुत तेज़ है। यहाँ पर ये कुछ श्रद्धालु झूला कांवड़ लेके आए हुए हैं, अपना झूला कांवड़ में जल वगैरह ले लिया इन्होंने, पूजा अर्चना कर ली है। अब इनके जाने की तैयारी है, अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार हैं ये। सामने जो घाट है दोस्तों, वो महिला घाट है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर की तरफ ये महिला घाट है सामने, और इधर ये मालवीय घाट है। मालवीय घाट पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जगह है घाट पे, तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं। देख सकते हैं मालवीय घाट पूरी तरह से कांवड़ यात्रियों से भरा हुआ है। मोस्टली डाक कांवड़ आज बहुत ज़्यादा आई हुई है क्योंकि सोमवार का जल चढ़ाना है, डाक कांवड़ बहुत ज़्यादा आई हुई है आज। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर भी करिएगा, ताकि वो लोग भी घर बैठे माँ गंगा जी के दर्शन कर पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। वीडियो को अंत तक देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।